Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. And today we are going to react on the trailer of Morbius. और ये एक मार्वल कॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, स्पाइडरमैन का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. यू नो इट इज काइंड ऑफ एंटी हीरो. और यू नो मतलब वेनम के बाद ये फिल्म आ रही है. हालांकि लास्ट ईयर इसका एक ट्रेलर आया था, ये इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है ट्रेलर का जो लास्ट ईयर आया था. सो यस I am a doctor. I should have died years ago. People all over the world have my disease. To find a cure, we have to push the boundaries, take the risks. If you're gonna run, do it now. Dr. Michael Morbius, you've been missing for 2 months. When you're a stranger. Then you were found on a container ship that washed up off Long Island. Faces look ugly when you're alone. Johnny! What did you do to yourself, Doctor? I wish I knew. I went from dying to being more alive than ever. It worked. Not exactly. I have increased strength and speed. And some form of bat radar. What else can I do? There are limits. There has to be. There's something inside of me. It wants to hunt. Consume blood. Michael. When you're strange, can you control it? I don't know. Half the city wants to kill you. We haven't had anything this good since that thing in San Francisco. The other half wants to control you. Hey, Dr. Mike, you and I should stay in touch. I'd do anything to save a life. I don't know what I'm capable of. You save lives, you don't take them. Are you here to heal the world? Or to destroy it? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. At your service? Dracus, at your service? I loved it. Yeah, सोचने पे मजबूर करने वाले, जैसे वो लिखे हुए आ रहे थे ना कि अ लाइन बिटवीन अ हीरो एंड अ विलन. ही इज अ एंटी हीरो. ही इज अ एंटी हीरो. हां, मतलब ही इज अ एंटी हीरो. जिस हिसाब से दिखाया है उन्होंने कि ही इज अ डॉक्टर, बट अब वो जो बन गया है दैट पर्सन वांट्स टू टेक द लाइफ बिकॉज़ क्योंकि वो ब्लड सर्वाइव ऐसे करेगा. सर्वाइव, हां, उसका सर्वाइवल का सीन है. यू नो इफ ही इज अ वैम्पायर ही हैज टू टेक ब्लड, ही हैज टू ड्रिंक द ब्लड. तो और ब्लड के लिए उसको किसी को मारना भी पड़ेगा. तो वो जो लाइंस आ रही है ना कि यू सेव द लाइफ यू डोंट टेक देम, वो वाली टाइप की लाइंस जो है कि व्हाट ही इज एक्चुअली व्हाट ही वांटेड टू डू. स्टार्ट उसने जब किया था तो उसने अपना सर्वाइव करने के लिए और लोगों को क्योर बचाने के लिए किया था. बट यहां पे मामला थोड़ा सा अलग हो गया अभी. हां, कि वो खुद बोल रहा है कि आई डोंट नो इफ आई कैन कंट्रोल इट और नॉट.
एंड द पॉइंट इज कि खाली उसके संग उसके पास और चीजें भी आएंगी, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ गई है उसके पास, बीमारी उसकी ठीक हो गई है, यू नो, बट एट द सेम टाइम ही हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो, या या विद दैट स्ट्रेंथ। लेकिन मेरे लिए कुछ और चीजें हैं सोचने वाली इसके अंदर, क्योंकि कुछ चीजें मैंने देखी है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान दिया मैंने इसके अंदर, कि मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये किस यूनिवर्स में है भाई। क्योंकि देखो इसके अंदर तीन चार चीजें देखी है मैंने अभी, ठीक है। पहली चीज तो ये कि इसने वेनम का रेफरेंस दिया, ठीक है। सोनी जो है वो वेनम का पार्ट है, वो एमसीयू के अंडर नहीं आता, ठीक है। और वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में वी सॉ समथिंग लाइक स्पाइडरमैन, जो कि अभी एमसीयू का पार्ट है, ओके। नाउ स्पाइडरमैन जो कि सोनी और भी एमसीयू दोनों का पार्ट है, इसके अंदर मैंने तीन चीजें और नहीं देखी। जैसे इसके अंदर मैंने ऑस्कोप का बिल्डिंग देखा, जो कि है, जो कि यू नो ग्रीन गॉब्लिन का है, नॉर्मन ऑस्बॉर्न का, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन बिल्डिंग थी, ओके, मेबी दे, ठीक है, देयर यू नो मल्टीवर्सल सीन हो सकता है। दूसरा इसमें एक सीन है हमें ना मॉर्बियस यू नो प्रिजनर के कपड़ों में आ रहे हैं, और उनके दीवार पे स्पाइडरमैन के पोस्टर पर लिखा है मर्डरर, लेकिन वो जो स्पाइडरमैन का पोस्टर है वो सैम रैमी का स्पाइडरमैन है, टॉबी मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन, ओके। तीसरा इन्होंने जो वल्चर जो है वो स्पाइडरमैन होमकमिंग में विलन था, वो एमसीयू का पार्ट है। व्हाट ही इज डूइंग हियर, लाइक वो यहां कर क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनी इज एक्सपेंडिंग इट्स स्पाइडरमैन यूनिवर्स, ही इज गोइंग टू सेट अप द सिनिस्टर सिक्स, यू नो वेनम और मॉर्बियस एंड वल्चर राइनो, बिकॉज अखबार में भी लिखा है कि राइनो ऑन द लूज, और एक ब्लैक कैट का मेंशन भी, यानी ब्लैक कैट कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड और उसके साथ में विजिलांटे भी है। She has never appeared in any of the film, but मैं मुझे लगता है कि अब उसकी solo film आने वाली है, because Black Cat का reference दिया है, and I should think कि Black Cat film आनी चाहिए, she is an important character. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, मतलब तीन चार चीजें लोगों ने दिखाया, भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, मुझे बताना। मूवी देखने के बाद समझ में आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ना kind of fight जिसमें सारे पॉजिटिव वाले and sare negative wale will come, yeah, and because Venom is also some kind of anti hero, he's not, you know, proper hero, he's not hero but he does the right thing, yeah, but he wo pura villain bhi nahi hai, ha, uske andar ye sense hai ki kisko maarna kisko nahi maarna, aur Morbius is also not, you know, villain or hero, he's between the anti hero, he's like anti hero. To bhaiya mere ko ye janna hai pehle ki ye kaun sa universe mein hai, aur kya, you know, kya Spider-Man ab inke universe mein aane wala hai, because अगर ये लोग इतनी सारी चीजें शो कर रहे हैं, ये तो सारे रेफरेंस दिखा रहे हैं, डूइंग दे वांट टू डू अ कोलैब, और अगर टॉबी मैग्वायर स्पाइडरमैन आता है पागल जाऊं खुशी के मारे, ये लोग वो अगर आ गया तो मैं तुम्हें पागल खाने छोड़ूंगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, बट आई एम टोटली लाइक यू नो दिस इज अमेजिंग, दिस ट्रेलर इटसेल्फ इज अमेजिंग। अगर मैं बाकी सारी चीजें छोड़ दूं तो मैं अगर सिर्फ ये ट्रेलर ही देखो ना, तो ये मतलब जैसे हमने अभी A Boy Called Christmas का ट्रेलर रिएक्शन किया है, आपको ब्राइट बटन पे दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो पूरी देख लीजिए। हाँ, तो जैसे अभी हम लोगों ने किया, तो मैं उसमें भी यही बोल रही थी कि यू नो अच्छी कुछ मूवीज मेरे को मूवीज अच्छी लगती है जिसमें ना वो एक बहुत क्लियर वो दे दे कि वो दिखाना क्या जा रहा है, क्या मोटिव है, क्या पर्पज क्या है ना, कि एक्चुअली में लड़ाई किस चीज की है, क्या होना क्या वाला है। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी मूवी रिवील कर दो क्या सीन है, बट जैसे इसमें भी अगर मैं देखूं तो एक तरीके से इन्होंने पूरी मूवी रिवील कर दी है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ सोनी, लाइक उनके मैक्स मूवीज के ट्रेलर्स में सारी कहानी आपको अलग अलग आईडिया कि भाई इसमें क्या होने वाला है, बट स्टिल दिस इज लुकिंग वेरी गुड, लाइक बट यू नो देयर आर सम थिंग्स जो कि अभी भी हिडन है, जैसे कि जैसा उसने बोला कि देयर आर लिमिट्स, उसने कहा देयर आर नो लिमिट्स, मतलब और मुझे लग रहा है कि डू मच मोर, और मुझे ऐसा लग रहा है इसमें जो विलन है ना वो भी वैम्पायर ही है, बिकॉज मॉर्बियस अच्छे लोगों को नहीं मारेगा अपने अपने ड्रिंक करने के, मतलब ब्लड के लिए, यू नो, सो आई डोंट थिंक सो। हाँ, तो अभी अगर विलन कोई है तो उन्होंने विलन नहीं दिखाया, विलन थोड़ा सा शो हुआ है, मुझे लगता है वो हल्का सा एक बंदा है, मतलब लिखा हूं दोबारा, वो है वो जो पर्सन बोल रहा था वी शुड कैच अप, नहीं एक यू नो एक है सीक्वल दिखाऊंगा मैं, वो विलन है इस फिल्म का, एंड आई थिंक ही इज आल्सो द बैट, ही इज आल्सो द वैम्पायर, आई थिंक उसको भी बीमारी है, वो के कॉमिक्स में ही वाज अ फ्रेंड ऑफ मॉर्बियस फ्रॉम द चाइल्डहुड, उसको वो दिक्कत थी, बट मॉर्बियस ये पहले से कॉमिक्स पढ़ के आते हैं फिर ये सारी चीजें बताते हैं यहाँ पे आके, मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़े हैं ट्रेलर के हिसाब से बता रही हूँ, मेरे को पढ़ने लग गई दिखा, आई लव मार्वल कॉमिक्स, आई लव मार्वल, मैंने नहीं पढ़ी, बट मैं जो ट्रेलर के हिसाब से ना मुझे कोई ऐसे हिंट्स नहीं आए विलन के अभी तक का मुझे कोई हिंट्स नहीं आए, इसको आए क्योंकि इसने पढ़ा है कॉमिक्स, ये चीटर है, तो मेरे को कोई हिंट्स नहीं आए, बट मुझे ये मेरे को बहुत बोला, पहली बात तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा है,
मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि ना वो पर्पस बहुत क्लियर था कि उसको कोई बीमारी थी जिसका क्योर ढूंढने के लिए गया और ही इज अ डॉक्टर और उसने देखा कि और लोगों को भी ये बीमारी है तो ही हैज यू नो लॉट ऑफ रीजंस ही इज नॉट इट्स नॉट लाइक दैट कि उसको ऐसा लगा एक दिन कि चलो उठ के एकदम कि यार मेरी लाइफ में कोई मोटिव नहीं है चलो आज बैटमैन बनते हैं चलो आज यू नो जाके चमका लो तुमने अच्छा वर्ड यूज किया बैटमैन ही इज द मार्वल्स बैटमैन दैट 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 इज नाइस कि चलो आज चमत्कारों के बीच में चले जाते हैं हम कुछ करेंगे वाला टाइप का वो वाला फील नहीं है इसमें आई लाइक द रीजनिंग हां द रीजनिंग इज नाइस एक्चुअली नाइस और जो बाद में भी और उन्होंने उसको पकड़ के बाद में भी रखा है ना कि दैट यू आर एन डॉक्टर डोंट फॉरगेट दैट कि तुमने ये स्टार्ट क्यों किया था वो मुझे अच्छा लगा बट वही मैं बोलूंगी कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बचा नहीं है लाइक मेरे को आगे से ज्यादा स्टोरी वी कैन प्रेडिक्ट नाउ अब विलन विलन छोड़ के तो बट बाकी मेरे को लगता है कि वी कैन प्रेडिक्ट But it's a मतलब I think it's going See, to be I loved nice. it. One, totally, one I just time loved watch it. तो होगी कम से कम ट्रेलर को देख के इतना तो लगता है कि one time watch तो कम से कम होगी I think. So this was the trailer reaction of Morbius. आज के लिए बस इतना ही आपको ट्रेलर कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपने भी क्या इसकी तरह और भी अतरंगी सतरंगी चीजें जैसे इसने बताया आपने देखी अगर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव योरसेल्फ